सलाम। वालेकुम सलाम भाई। तारिक साहब, हम आज आपके इलाके में हैं, अजय से बोलते हैं, नूर जाने बहने, ये आपका इलाका है। उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। फ्री। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फोर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बोलता हूँ कि जो दरिया का पानी आया है, जिसने आपकी जो खेती बाड़ी का नुकसान किया है, कितनी खेती बाड़ी आपकी जो पानी में बह गई? इसमें ये कोई तकरीबन अंदाजे के साथ हम बता सकते हैं आपको कि ये मौसम के हिसाब से सारी खेती बाड़ी जो ये पानी दूर हमको नजर आ रहा है, ये पानी कितनी गहराई में है? ये तकरीबन 25 से 30 फीट की गहराई में है पानी, और इस गहराई में ये फसलें सारी डूबी पड़ी हैं। आपके सामने कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं। कैमरामैन साहब, हम आपको दिखा रहे हैं कि इधर 25 से 30 किलोमीटर गहरा पानी है और सब पानी है और दूर तक पानी है। जो दरिया है ना, दरिया वो इससे आगे है, इससे आगे तकरीबन 4 किलोमीटर। ये निचली जगह है जहाँ पर पानी इधर से आया है, पानी इधर से आता दरिया का, और ये पानी चार लोग इधर आया है। और इधर एक बंद बनाया था उन्होंने अपनी मदद आपके तहत, वो बंद टूटने के बाद, वो एक हिफाजती बंद था, उस बंद के टूटने के बाद ये पानी। हम आपको दिखाया जैसे कि चरी भी पानी में डूबी खड़ी है, ये जानवरों का चारा था, अब जानवर भूखे प्यासे मर रहे हैं जी इधर। और इधर जो लोग बैठे हैं हमारे साथ मौजूद है, तारिक साहब फ्रॉम नूरजान बहनी, इन्होंने फसलें सारी डूबी हुई हैं आज कल। तेल डूब गया ने, डूब गया, जिसे कपास कहते हैं, धान की फसल थी वो भी डूब गई। और लोगों के आपके अंदाजे के मुताबिक कितनी फसलें डूब गई, कितना नुकसान हुआ आपका? तकरीबन हर यहाँ पे तमाम किसानों की जो है ना फसलें वो पानी के चपेट में आ गई है, कुछ भी नहीं बाकी बचा। यहाँ पे सभी किसान जो है ना वो नुकसान में है, उनका माली नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, और उनके जानवर वगैरह भी जाएगा। और आप दुआ करें कि आप से पानी दूर रहे। जो आपने ये बनाया है पानी की रुकावट के लिए, मट्टी का बंध, ये आपने बनाया अपने हिफाज के लिए? ये हिफाज बंध हमारे इधर के मकामी किसानों ने बनाया है अपने पैसों से। इधर गवर्नमेंट तो नहीं आई ना? गवर्नमेंट यहाँ पे उनका कोई एक, वो कहते हैं वो जो एक कुत्ता होता है वो भी नहीं आया यहाँ पे। बात गवर्नमेंट तो है ही फजूल, ये टैक्स लेती है और काम भी नहीं करते। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि पत्ती डालकर, वो पत्ती डालकर ये तकसीम करके, डोनेशन करके, उसके बाद ये फालती बंद बनने के बाद ये महफूज ढारियाँ हैं। वरना आपके सामने ये बड़ा खौफनाक वाकया, जो सोलर प्लेटें वो पानी में डूबी हुई हैं, वहाँ किसी किसान की जो टर्बाइन थी वो सोलर प्लेट पर चलती थी, अब वो पानी की लपेट में आ गई है। दिल्ली वगैरह सब पानी की लपेट में आ गई हैं, सबको अपना जानी नुकसान का बहुत खौफ है। और कैमरामैन इधर दिखाएं कि ये धारी जो है अभी तक ये पानी की लपेट में है, कोई करने के लिए रेस्क्यू 1122 या कोई भी कोई हुकूमती टीम यहाँ पे नहीं आ नहीं आई। हुकूमत तो नाम की हुकूमत है और हुकूमत में काम नहीं है। पहली नूर जानिया के कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं थोड़ा सा जूम करके कि वो जो ढाई खड़ी है, वो जो बस्तियां हैं अभी उन बस्तियों में इंसान बसते हैं, लेकिन यहां पर कोई हिफाजती तदाबीर नहीं की गई। रेस्क्यू 1122 पाकिस्तान की एक आला एक इदारा है, दुनिया का नंबर वन इदारा है जो हिफाजती तदाबीर में सबसे सर फहरस्त है, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आए। जहाँ पर आई हैं टीमें, लेकिन उन्होंने पैसे की डिमांड की है, उन्होंने डिमांड की है कि आप हमें पेट्रोल दें, आप हमें डीजल दें, फिर आपको निकालेंगे। और कैमरामैन दिखा सकता है वो अपनी मदद आप एक बोट एक कश्ती बनाकर आ रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे गरीब लोग गुजारा कर रहे हैं अपना।
कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये फसल चरी जिसे कहते हैं जानवरों के चारे के लिए खड़ी थी, ये डूब चुकी है आपके सामने। ये कैमरामैन दिखा सकते हैं जूम करके। इसमें आगे जो जहाँ पे पानी खड़ा है ये 25 फीट या 30 फीट की बुलंदी पर है, ये गहराई पर पानी है। यहाँ पे फसलें ही फसलें थी, तिल थे, यहाँ पे कपास था, धान की फसल खड़ी थी वो डूब चुकी है। कैमरामैन जूम करके दिखा सकते हैं, वो बस्ती भी पानी की लपेट में आ गई है। यहाँ पर आगे सारी बस्तियाँ हैं, वो अभी तक वहाँ पे बस्तियों में लोग आबाद हैं, उनको निकालने के लिए कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं आई। देखो भाईजान, दरिया के किनारे भी फसल काश की जा रही है, अभी ट्रक वाई को खोद रहा है। देखो भाईजान, कैमरामैन आपको दिखा रहा है जी, इन्होंने ये अपनी हिफाजत के लिए एक बांध बनाया है। सब बांध ये बहुत लंबा है, कम से कम ये 10 एकड़ लंबा है। देखते रहें, हमारे साथ मौजूद रहें। बराए मेहरबानी हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हसन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद है तारक इजाज और सूफी अदील फ्रॉम पुराना थाना। तारक इजाज ज़िला पाकपतन में हमारे साथ मौजूद है। देखो ये मकई है, इनके साथ छलियाँ भी हैं जो पानी में डूबी पड़ी हैं। ये किसान का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, अल्लाह इसको इसकी मेहनत का फल दे, आमीन। देखो जी ये चरी है, ये जानवर का चारा है, अभी ये पानी में डूबा हुआ है और जानवर भूख से मर रहे हैं। और ये मकई है, ये भी पानी में डूब गई है, किसान का बहुत नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला इसको सबो जमीन अता करे। यहाँ पे MNA जो है वो राणा इरादत शरीफ हैं। अच्छा। जो यहाँ पे जिनकी जिनको वोट डाले लोगों ने। अच्छा। और यहाँ पे जो MP है मियां नवीद अली पाकपतन से, वो यहाँ पे MP हैं, जीते हुए हैं। तो यहाँ पे ये वोटिंग सारी उनका ये एरिया है, तो अभी तक उन्होंने कोई आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं बनाया, कोई कॉन्टैक्ट उनका नहीं है आवाम के साथ। आवाम ने अपनी मदद आप ये बंद बनाया है, अपनी मदद आप ये सारा कुछ किया है। किसी हुकूमती इदारे ने या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने या किसी भी NGO ने या किसी भी सोशल वर्कर ने यहाँ पर आकर लोगों की मदद नहीं की। यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं इन बस्तियों में वो अभी भी आबाद हैं, उनका राशन जो एक मंथ का राशन वो अपना लेकर बैठे हुए हैं, वो अपना गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। अपनी मदद आपके तहत सब कुछ। अच्छा, किसी MP है और MNA ने यहाँ राशन भी नहीं तकसीम किया किसी को भी? जी, किसी को भी राशन तकसीम नहीं किया गया यहाँ पर। राशन तो दूर की बात, किसी ने फ़ोन कॉल करके भी नहीं पूछा कि हाँ भाई आपसे वोट लिए थे और आप कैसे हैं, जिंदा हैं या पानी में डूब कर मर। अच्छा, वोट वाले दिनों में वो यहाँ आते हैं? जी, वोट वाले दिनों में यहाँ पर तो रैलियाँ निकाली जाती हैं। अच्छा। यहाँ पर तो लोगों की भरमार होती है, ऐसे जैसे कि एक इलेक्शन का समय होता है, एक पोलिंग स्टेशन चल रहा होता है, इतनी आबादी यहाँ पे उमड़ आती है जब कोई MPA या कोई MNA आता है। अच्छा, अब आपको किसी से उम्मीद है यहाँ पर कोई आएगा या MNA या MPA या कोई भी अकाउंटिंग आएगा या किसी से कोई बात? अदील भाई, मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि उम्मीद यहाँ पे कुछ भी नहीं है किसी से, किसी भी हुकूमती इदारे से या किसी MPA से या MNA से, क्योंकि अब पानी का दबाव या पानी का जोर जो है वो आपको कैमरामैन दिखा सकता है कि कम हो गया है। अब जब सैलाब का ज़्यादा खतरा था, जब हम डूब रहे थे, तब किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, ना कोई हमारे साथ रابطे में रहा है, तो अब तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कोई आएगा और हमें बचाएगा यहाँ पर, हमारी जो है मदद करेगा, क्योंकि हम तो डूब चुके हैं, हमारी सारी फसलें उजड़ चुकी हैं। यहाँ पर गरीब लोग आबाद हो गया, माली नुकसान भी हुआ है, बंद बनाते हुए लोग मरे भी हैं। भाई आपकी कितनी फसलें, कौन कौन सी फसल है जो जिन पे किसान इंतजार करता है अपना अपने पूरे साल की, यानी कि पैदावार उसका जो भी होती है, इंतजाम होता है, कितनी फसलें आपकी? अदील भाई, यहाँ पर जो फसलें बात की जाए अगर फसलों की, कितने एकड़ पर थी, तो सैकड़ों एकड़ सैलाब के पानी की जद में आए हुए हैं। यहाँ पर मैं बताता चलूँ आपको कि फसल कौन कौन सी थी। यहाँ पर कपास खड़ी थी,
यहाँ पर धान की फसल खड़ी थी, यहाँ पर तीली खड़ी थी, मूंगी की फसल खड़ी थी, मकई खड़ी थी, लोगों के बीच में वो कटाई के बीच में ही दरिया आ गया और वो पानी की लपेट में आ गए। लोग पानी की लपेट में आए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कटाई बंद की और बड़ी मुश्किल से ही वो बाहर आए हैं। लोगों की मकई कटी हुई थी, पड़ी थी, अभी वो भी बह गई है साथ में। हम आपको दिखाएंगे जो ये फसलें खड़ी हैं ये भी पानी की लपेट में आ सकती हैं। हमारे साथ मौजूद है तारक जाट साहब, ज़रई फार्म, हम उससे रब्ता करते हैं। तारक साहब, क्या हाल चाल है? अपनी कैफियत बयान करें, अपनी जो ज़रई फार्म है उसके हवाले से हमारे अपने दुख सब बयान करें। फसलें हैं वो धान की फसल है, कपास खड़ी है, तिली खड़ी है। जैसा कि आपको दिखाया कैमरा मैन ने कि ये फसल जो है कपास की फसल खड़ी है, इसको बड़ी मुश्किल के साथ बचाया है। ये यहाँ पर धान की फसल थी जो पानी के डर से जो है ना, वो उन्होंने अपनी कच्ची फसल, अभी मिचोर फसल नहीं हुई थी, तो वो उन्होंने कटवा ली है, जिसके माली नुकसान भी हुआ है किसानों को। और ये तिली भी दरिया के किनारे खड़ी है, तो ये भी अभी नुकसान इसका भी है, ख़तरा के पानी और ज़्यादा आता है तो ये सारी फसलें जो हैं ये डूब सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असि जी जिला पाक पतन दे मगरब ट्रैवल दरिया सतलुज के करीब खड़े हैं जी। दरिया सतलुज से पानी बड़ा जी बड़ा बेशुमार आया है, बड़ा ज़्यादा पानी आया है। कुछ लोगों दसल जो डुब गई हैं जी, तो फसलों से बड़ा नुकसान होया है, जानी नुकसान होया, माली नुकसान होया जी। देखो जी सारी फसल जी डुब गई हैं, इन कोई फसल मुख्तलिफ फसल जी सारिया डुब गई हैं। तो आवाम अपने सारे बिस्तरे बुस्तरे समान कोई दे मुड़ा मट्टी इतों चल गई है जी, कुछ फसल मजबूत जी। आ जगह जितने खड़े हैं जी, ये जगह उच्ची हैगी है, तो ये जगह उच्ची है, पानी नहीं आया। जो नीवी जगह से उत्थे पानी आया है, सब फसल डुब गई हैं। एक कैमरा मैन थोड़ा मौजूद है जी, हाफिज अदील फ्रॉम पुराना थाना, तो अभी दरिया का सारा पस मंदिर दिखा रहे हैं जी। ये सब दरिया का पस मंदिर है, दूर तक दरिया की कोई हद नज़र आ ही नहीं रही। इधर सतलुज है जी, बड़ा पानी आया हुआ जी, पिछू 8-9 डैम छड़े गए हैं, तो इन दरिया ने इतने बड़ा नुकसान कर छड़ा बड़ा। जेडे जेडे आवाम दरिया तो नीवी सी वह तो डुब गई है जी, जेडी उच्ची सी वह आवाम महफूज है। जिस तरह देख रहे थे सारी आवाम है, ये बैठी महफूज, इन्होंने कोई कुछ नहीं होया, ना जानी नुकसान होया, ना इन्हों का माली नुकसान होया है। तो जी आवाम नीवी से जिन्हें घर नीवे है ना, उत्थे बड़ा पानी आया है, तो इस तरह सारा तो दरिया पानी बहुत दिखा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 2 और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। 3 इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। 4 सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। कैमरामैन ओके, अल्लाह हाफिज। कैमरामैन के साथ हसन रजा मौजूद है, हसन रजा ऑफिशियल फ्रॉम पुराना थाना। कैमरामैन हाफिज अदील एडिटर, वीडियो एडिटिंग फ्रॉम पुराना थाना, आज मेरे साथ मौजूद है। हम आपको विजिट करा रहे हैं ये सात दरिया का। हमारे चैनल का नाम है वेक पंजाब।